गुलाबी शहर जयपुर एक ऐसी पेंटिंग की तरह मालूम होता है, जिसके मुख्तलिफ रंग यहाँ के फनकारों की कहानी खुद ब खुद बयान कर देते हैं। इस शहर को एक खूबसूरत तस्वीर की शक्ल देने में यहाँ के दस्तकारों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। इन दस्तकारों की बरसों की मेहनत और फनी रियाजत का ही ये नतीजा है कि आज जयपुर शहर का शुमार दस्तकारी के लिहाज से सफे अव्वल में होता है। ऐसे ही एक दस्तकार जयपुर के बाबूलाल मरोटिया हैं, जिन्होंने मिनिएचर पेंटिंग के मैदान में काफी शोहरत हासिल की है। बाबूलाल मरोटिया 5 मई 1961 को जयपुर में ही पैदा हुए। इन्हें मिनिएचर पेंटिंग की जयपुर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर और मेवाड़ तर्ज मुसव्वरी के साथ साथ कदीम मुगल तर्ज मुसव्वरी और गिलास मुसव्वरी में भी महारत हासिल है। जयपुर शैली के जो कद होते हैं नायक नायिकाओं के, वो थोड़े ठिगने होते हैं। इसके विपरीत किशनगढ़ के अंदर कद काफ़ी लंबे हैं, उनकी आंखें लंबी होती है, फेस जो कट है वो लंबे होते हैं, नाक बड़ी होती है, उंगलियां भी देखें सब बड़ी है। उसी विपरीत जयपुर शैली में कद छोटे हैं, फेस होता है, फेस राउंड फेस हुआ, गोल फेस है, अट्रैक्टिव फेस है। जहाँ तक जामा का सवाल है, जामा किशनगढ़ में काफ़ी लंबा है, जयपुर शैली में कुछ शॉर्ट कट में जामा पहना हुआ। मुगल में देखेंगे जो जामा बना पहना हुआ है वो ट्रांसपेरेंट जामा है, जयपुर में देखेंगे पूरा ठोस है, बिल्कुल ठोस किया जामा पहना हुआ है। कुछ कलर में भी फर्क है, जैसे जोधपुर में देखेंगे वहाँ नील का ज़्यादा प्रयोग किया गया, सिंदूर रंग का ज़्यादा प्रयोग किया गया, गोल्ड की जगह उन्होंने सोने के वर्क का काम किया है। जयपुर में जो वर्क की जगह ज़्यादा हिलकारी का काम किया हुआ है, यहाँ पर ज़्यादा सिंदूर, हिंगलू और खड़िया, इन 3-4 कलरों का ज्यादा प्रयोग किया गया है। बाबूलाल मरोटिया जी को पेंटिंग का यह शौक विरासत में मिला। आपके वालिद जन्नत नशीं जनाब लाथूलाल मरोटिया अपने वक्त के एक बहुत बड़े मुसव्विर थे। बाबूलाल जी ने मुसव्वरी की बारीकियां अपने वालिद साहब के कदमों में बैठकर सीखी। रफ्ता रफ्ता मुसव्वरी की तरफ आपका रुझान बढ़ता गया। ब्रश और रंगों से आपका लगाव इतना बढ़ गया कि किताबों से रुझान कम होता चला गया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब आपने मुसव्वरी को ही अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया। मैं 11वीं में पढ़ता था, हाई सेकेंडरी में, एग्जाम के पहले की बात है, एक जयपुर में चित्रकला प्रतियोगिता हुई थी वो लॉटरी क्लब द्वारा, उसमें सभी स्कूलों के छात्र आए थे उसमें, तो मैंने भी उस प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो उस प्रतियोगिता में मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, वही इस लाइन पे मेरी आने की शुरुआत हुई। और हायर सेकेंडरी का इम्तिहान पास करने के बाद अपनी तालीम खत्म कर दी। आज भी बाबूलाल पेंटिंग तैयार करते वक्त अपने काम में इस कदर डूब जाते हैं कि इन्हें आसपास की हलचल का पता भी नहीं चल पाता। आपके साथ ऐसा बचपन से ही होता चला आ रहा है। आपको बचपन में इसी वजह से अपनी वालिदा से डांट भी खानी पड़ती थी। बाबूलाल जी को बचपन से ही अपनी तस्वीरों से बेहद लगाव था। अगर किसी वजह से आपकी कोई मनपसंद तस्वीर खराब हो जाती तो आप आसमान सिर पर उठा लेते। बाबूलाल मुसव्वरी को महज एक फन ही नहीं बल्कि खुदा की इबादत का
एक ताकतवर वसीला भी मानते हैं। आपका मानना है कि अगर खुदा को पाना है तो उसे फन के जरिए ही पाया जा सकता है। यही वजह है कि कोई भी काम करने से पहले वो खुदा को याद करना कभी नहीं भूलते। बाबूलाल जी के उस्ताद जन्नत नशीं जनाब कृपाल सिंह शेखावत जी थे, जिनसे आपने मुसव्वरी की तालीम हासिल की थी। कृपाल सिंह जी से बाबूलाल जी की मुलाकात पेंटिंग के एक मुकाबले के दौरान ही हुई थी। उस वक्त नौजवान बाबूलाल जी की उम्र महज 18 साल थी। आपकी जहानत और लगन देखकर कृपाल सिंह जी बहुत मुतासिर हुए और आपको अपना शागिर्द बना लिया। कज़ह के सातों रंगों को तस्वीर के कल्ब में ढालने वाले बाबूलाल, पद्मश्री जनाब कृपाल सिंह जी जैसे उस्ताद को पाकर खुद को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं। आप अपने सारे फन और इनामात को अपने उस्ताद का ही मरहूने मिन्नत मानते हैं, जिनसे आपने ब्रश चलाना और खाली तस्वीरों में रंग भरना सीखा। रामनियास बाग में चित्रकला प्रतियोगिता थी, मेरी वहाँ मुलाकात हुई कृपाल सिंह जी शेखावत से। उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। उन्होंने मेरे काम को देखा, उन्होंने मेरे को घर पे इनवाइट किया था मेरे काम को देख के, तो मैं उनके घर गया था, उनके काम को देखा, काम से काफ़ी प्रभावित हुआ। उनको फिर मैंने अपना गुरु बनाया इसमें, इस फील्ड के कला के क्षेत्र में। समय समय पर उनके पास जाया करता था, इस कला की जानकारियाँ लेता था, कौन से रंगों का प्रयोग होता है, कौन सी शैली में कौन से रंग होते हैं, पेंटिंग कैसे बनती है, कैसे ब्रश चलाते, सारी जानकारी मैंने पद्मश्री कृपाल सिंह जी शेखावत से ली थी। उस्ताद कृपाल सिंह शेखावत के साथ साथ आपने 7 साल संगम कला सेंटर में भी मुसव्वरी की तरबियत हासिल की। बाबूलाल जी ने अपने उस्ताद से बहुत कुछ सीखा है, इसीलिए आप खुद को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं। बाबूलाल जी अपनी कामयाबियों का सेहरा अपने उस्ताद के अलावा अपने वाली साहब के सिर भी बांधते हैं। जिंदगी के अहम मोड़ पर जब आपको मुसव्वरी और मुलाजमत में से किसी एक का इंतखाब करना था, तो वालिद साहब ने आपको पेंटिंग का इंतखाब करने की तरगीब दी। बाबूलाल जी की ज्यादातर मुसव्वरी जयपुर तर्ज पर ही मपनी है, लेकिन आप इसके अलावा कोटा, बूंदी, बीकानेरी वगैरह की तर्ज मुसव्वरी को भी अपनी पेंटिंग में परवेकार लाए हैं। पारंपरिक लघु चित्रकला है, यह भी काफ़ी शैलियों के नाम से जानी जाती है। इसमें मुगल शैली है, कांगड़ा शैली है, राजस्थान में भी काफ़ी शैलियाँ जैसे किशनगढ़ शैली है, बूंदी है, कोटा है, जोधपुर है, उदयपुर है, काफ़ी शैलियाँ हैं। मुझको जो नेशनल अवार्ड मिला वो जयपुर शैली पे मिला था मेरे को। वो मैंने शिव परिवार की पेंटिंग बनाई थी, उसमें करीब 9 साल लगे मेरे को। मेरे को स्टेट अवार्ड मिला वो बूंदी स्कूल की पेंटिंग पे मिला, वो राधा कृष्ण की पेंटिंग थी, बूंदी शैली में बनाई थी। और जो नेशनल मेरिट मिला मेरे को वो जोधपुर शैली की पेंटिंग थी।
तो मैं करीबन सभी शैलियों की पेंटिंग बना सकता हूँ। मेरे को जो ज़्यादा लोकप्रिय शैली है जयपुर शैली है, अधिकांश पेंटिंग जयपुर शैली पे मैं बनाता हूँ। बाबूलाल जी की तस्वीरों के रंग बहुत ही पक्के और मजबूत होते हैं। आपकी तस्वीरों के रंग वक्त के साथ साथ धुंधले नहीं पड़ते। इसकी बस यही वजह है कि बाबूलाल जी पेंटिंग के लिए स्टोन कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टोन कलर्स की खासियत यह है कि इनसे बनी तस्वीरों के रंग बरसों बाद भी फीके नहीं पड़ते। इनमें हम खनिज रंगों का, पत्थर के रंगों का और मिनरल कलर का प्रयोग करते हैं। जैसे सफ़ेद के लिए रंग होता है, सफ़ेद के लिए हम खड़िया काम में लेते हैं। लाल रंग के लिए हम हींगलू, पेवड़ी की वो पीले रंग के लिए पेवड़ी, काले रंग के लिए काजल, और गोल्ड जो सुनहरी काम है उसके लिए हम सोने के वर्क को काम लेते हैं। सोने के वर्क और सोने के वर्क से बनी हिलकारी उसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे पत्थर के रंग है ये तो 300-400 साल तक कहीं ख़राब नहीं होंगे। जिनकी शाइनिंग है, जो आज शाइनिंग है, वो 400 साल तक वही शाइनिंग रहेगी, कभी ख़राब नहीं होगी शाइनिंग। बाबूलाल जी ने राधा किशन और शिव पार्वती को बुनियाद बनाकर बहुत सी तस्वीरें बनाई हैं। आपकी तस्वीरों में कुदरत का हर एक रंग दिखाई देता है। आपकी तस्वीरों में जिंदगी का हर पहलू और तमाम जज्बात का अक्स झलकता है। इसीलिए आपकी पेंटिंग जीती जागती नजर आती हैं। आपके हाथों का जादू आपकी एक एक तस्वीर में जिंदगी के रंग भरता हुआ नजर आता है। बाबूलाल जी की तस्वीरों की नुमाइश मुल्क के कोने कोने में लग चुकी है। आपकी तस्वीरों की पहली नुमाइश सन 1988 में बेंगलोर में लगी थी। इसके बाद तो ये सिलसिला मुसलसल दराज होता चला गया। सन 1989 में आपकी तस्वीरों की नुमाइश फ्रांस में, सन 2000 में सिंगापुर में और सन 2003 में जनूबी अमेरिका में लगी, जहां आपके फन को खूब सराहा गया। अमेरिका का सवाल है, जहां दो बार में शिकागो गया, एक बार न्यूयॉर्क में गया। यूरोप में तो काफ़ी जगह में जा चुका हूं, जर्मनी में गया, बर्लिन गया, ग्रीस गया, इटली गया 2-3 बार। बाबूलाल जी की तस्वीरों और पेंटिंग्स के कद्रदान सारी दुनिया में फैले हुए हैं। आपके फनपारों की खसूसियत का लोहा आज सब मान रहे हैं। इस मैदान से मुतालिक तकरीबन हर एक इनाम आप हासिल कर चुके हैं। 1992 में आपको सबसे पहले सूबाई सतह का इनाम मिला। इसके बाद तो आपने कभी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 1993 में आपको सूबाई सतह का सबसे बड़ा दस्तकारी का इनाम मिला। सन 1997 आपकी जिंदगी का एक अहम साल साबित हुआ। इस साल आपकी जिंदगी का वो अधूरा ख्वाब हकीकत में तब्दील हुआ, जो आप कई बरसों से देखते आ रहे थे। और ये ख्वाब था मिनिएचर पेंटिंग में कौमी सतह का अवार्ड हासिल करना। इस अवार्ड को पाने की बाबूलाल जी ने
कई बार कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। आपने अपने खैरख्वाहों के मशवरे पर शिव के दरबार की जब तस्वीर बनाई तो उसे इतना पसंद किया गया कि उस पर ही आपको सन 1997 में कौमी अवार्ड से नवाजा गया। शिव दरबार की यह तस्वीर बाबूलाल जी के लिए बहुत अहमियत रखती है। आप इस तस्वीर को किसी भी कीमत पर खुद से अलग करने के लिए कतई तैयार नहीं। आपकी यह तस्वीर आपके लिए अनमोल है। आप अपने इस फनपारे को अपने दूसरे फनपारों के मुकाबले बहुत ज्यादा अजीज रखते हैं। बाबूलाल जी की हर तस्वीर के पीछे आपकी बरसों की फनी रियासत और तजुर्बे का एहसास वाज़े तौर पर महसूस किया जा सकता है। आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है उसे आप आने वाले फनकारों और मुसव्विरों को सिखाना चाहते हैं। नौजवान फनकारों को इस फन से अच्छी तरह वाकिफ कराना आपकी जिंदगी का मकसद बन चुका है। मिनिएचर पेंटिंग के इस नापैद होते हुए फन के वजूद को बाकी रखने के लिए आपने मई सन 1998 में सरस्वती कला मंदिर को कायम किया, जिसका वाहिद मकसद उभरते हुए फनकारों की मुनासिब रहनुमाई और उन्हें तरबियत देना है। जयपुर है, लघु चित्र कला के लिए काफी प्रसिद्ध है। यह कला काफी लोकप्रिय है, तो इस कला को बचाने के उद्देश्य से जो आज युवा हैं उनको इस कला के प्रति जागृति लाने के उद्देश्य से हमने एक संस्था बना रखी थी। 98 में एक संस्था बनाई है और उस संस्था के थ्रू हम प्रतिवर्ष निःशुल्क प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन करते हैं, प्रदर्शनियों के आयोजन करते हैं, समय समय पर जो वरिष्ठ कलाकार हैं उनका सम्मान भी करते हैं। तो इस कला को बचाने के लिए हमने इस संस्था बनाई थी। बाबूलाल जी ये बात बड़ी शिद्दत